राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 100 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची की जारी। आम आदमी पार्टी ने 100 विधानसभा प्रभारी की सूची जारी की। साहेबगंज विधानसभा से मिला विनोद कुमार प्रजापति को टिकट। प्रभारियों को आपने बताया कि संभावित उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे में राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। इसी कड़ी में बुधवार को आम आदमी पार्टी ने लखनऊ स्थित अपने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव के 100 कैंडिडेट की संभावित सूची जारी की, जिन्हें आने वाले 2022 की विधानसभा चुनाव में मैदान में आप उतारने की तैयारी में है। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और यह सब विधानसभा प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों से प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी होंगे। इस मानसा के साथ आप आदमी पार्टी ने 100 विधानसभा प्रभारी का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि पिछड़े वर्ग के लोगों को दिया गया है, जिसमें 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की तरफ से बनाया गया है। इस सूची में डॉक्टर, अधिवक्ता, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियर भी हैं, साथ ही साथ अन्य समाज वर्ग के लोग भी शामिल हैं। हालांकि अभी इनको अलग अलग जिलों के विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। सूची में सबसे ज्यादा तवज्जो पिछड़ा वर्ग को विधानसभा प्रभारी बनाकर जिले का प्रतिनिधि करने के लिए दिया गया है। आपकी तरह से जारी की गई सूची में ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज के लोगों को आम आदमी पार्टी ने अपना विधानसभा प्रभारी बनाया है और इन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना संभावित उम्मीदवार बनाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि जारी की गई सूची में ब्राह्मणों की संख्या 20 है, पिछड़ा वर्ग की संख्या 35 है, वहीं दलित उम्मीदवार 16 और मुस्लिम समाज के 5 लोगों को आपने अपना कैंडिडेट बनाया है। जनपद जौनपुर के साहगंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार प्रजापति ने संवाददाता से बताया कि आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों एवं विचारों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे एवं जनहित की समस्याओं का निवारण कराने पर बल होगा। आज भाजपा शासनकाल में महंगाई लोगों का कमर तोड़ रही है, अब हम सभी युवाओं को भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए जुट जाना होगा। आज देखिए शिव कुमार प्रजापति की खास रिपोर्ट। माधवगढ़ सीट से आशीष गुर्जर जी, जौनपुर के मल्हनी सीट से जियालाल प्रजापति जी, जौनपुर के जफराबाद सीट से प्रदीप मिश्रा जी, जौनपुर के सागन सीट से विनोद कुमार प्रजापति जी, कानपुर देहात। पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।